हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमें कुरल ड्रॉ के अंदर एक फ्लेक्स डिजाइनिंग बनाना हो या बैनर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक प्रोफेशनल बैनर बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर साइज लेंगे। साइज लेने से पहले हमें एक सेटिंग करना होता है दोस्तों, हमें किस चीज़ में बनाना है दोस्तों, इंच में बनाना हो या एमएम में बनाना है या फीट में बनाना है। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर दोस्तों, देखेंगे यूनिट लिखा हुआ है और यूनिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो दोस्तों आज जो हम बनाने वाले हैं वो इंच में हम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों इंच पे क्लिक करेंगे और इंच पे क्लिक करने के बाद उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे साइज दिया हुआ है, विड्थ दिया है और हाइट दिया हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ पे विड्थ रखेंगे 6 और हाइट रखेंगे दोस्तों यहाँ पे 2। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से एक रिटेंगल ले लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से रिटेंगल लेंगे और रिटेंगल लेने के बाद ऐसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों जाएंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे हम दोस्तों लिख देंगे 72। तो यहाँ पे 7.2 लिखेंगे और यहाँ पे 2.4 लिखेंगे। जैसे ही लिखेंगे तो देखेंगे हमारा 6x2 का एक बैनर बनकर सामने आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 6x2 का एक हमारा फ्लेक्स बनकर तैयार हो गया, मतलब उसका साइज बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों इसके अंदर हमें एक डिजाइनिंग करना होता है। तो इसके लिए दोस्तों हम ऑलरेडी यहाँ पे कुछ लेटर लिखकर और कोई जो इमेज लगाना है वो इमेज हम यहाँ से डाउनलोड कर इसके अंदर रखे हुए हैं। दोस्तों आज जो हम फ्लेक्स बनाने वाले हैं वो हम एक फुटवेयर का दुकान का फ्लेक्स बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से सेटिंग करना सीखते हैं और डिजाइन बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे यहाँ पर हम ऑलरेडी यहाँ पर इसे ड्रैग कर लाएंगे और यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे ही हम F4 दबाएंगे तो देखेंगे दोस्तों हमारा ये विंडो है ना एकदम सेपरेट में हो जाएगा, मतलब जूम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों F4 हम दबाते हैं यहाँ पे, उसके बाद से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो हमें लिखना है वो यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख कर रखे हुए हैं और जो हमें इमेज लगाना है वो हम ऑलरेडी इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर रखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम एक डिजाइनिंग करना सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें नाम लिखना होता है। नाम देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ऑलरेडी लिख कर रखे हुए हैं, तो हम इस नाम को यहाँ पर लाएँगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर लाएँगे और इसे थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करेंगे। देखिए दोस्तों उसके बाद से दोस्तों हमें क्या लिखना है, प्रोप्राइटर का नाम लिखा है तो प्रोप्राइटर का नाम यहाँ से लेंगे और यहाँ पे लाएंगे प्रोप्राइटर का नाम। देखिए दोस्तों और उसके बाद से दोस्तों हमें मोबाइल नंबर लिखना है तो मोबाइल नंबर को हम यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखना है तो हम इसे यहाँ पे लाएंगे बीच सेंटर में। और इतने को हम सेटिंग करना सीखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है उसे बीच सेंटर में करना है, तो हम यहाँ से बीच सेंटर में इसे कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमारा ये ऑलरेडी बीच सेंटर पे हो गया। उसके बाद से हमें प्रोप्राइटर का नाम लिखना होता है तो प्रोप्राइटर का नाम हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इसे थोड़ा हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों इसे हम अपने अनुसार इसे मैनेज कर लेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे ऊपर थोड़ा सा ले जाएंगे और इस नंबर को हम थोड़ा सा नीचे करेंगे और इसको थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे। देखिए दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम हो गया है। और उसके बाद से दोस्तों हम यहाँ पे जो काम करने वाले हैं और उसके बाद से दोस्तों हमें एड्रेस लिखना है तो एड्रेस को हम यहाँ पे लाएंगे और एड्रेस को यहाँ से नीचे कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लाएँगे और इसे नीचे कर देंगे। देखिए दोस्तों और ऐसे लाएँगे और यहाँ पर थोड़ा सा बीच में लाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सेंटर कर देंगे। देखिए दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे कुछ एक एडिशनल चीज़ लिखा हुआ है तो इसको हम यहाँ पे लाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लाएंगे और इसे थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे। देखिए दोस्तों देखेंगे इतना हमारा सेटिंग हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इमेज लगाना है। तो इमेज लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो एड्रेस लिखा हुआ है उसे थोड़ा इधर कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमारा इतना काम हो गया है। उसके बाद से दोस्तों हमें इसमें बैकग्राउंड लगाना है तो दोस्तों आप बैकग्राउंड सिंपल आप किसी ब्राउजर में जाकर आप आसानी से यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम ऑलरेडी बैकग्राउंड को डाउनलोड कर रखे हुए हैं। तो चलिए हम यहां से जाएंगे अपने डेस्कटॉप पर और डेस्कटॉप पर जाने के बाद यहाँ से कुछ बैकग्राउंड डाउनलोड किए हम इसे ड्रैग करेंगे और ड्रैग कर ले आकर हम सिंपल यहाँ पे छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों इस बैकग्राउंड पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे पावर क्लिप का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पावर क्लिप और इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम क्लिक को दबाएंगे तो ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो अंदर चला जाएगा। और उसके बाद से हम यहाँ पे एडिट पे जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ अंदर जाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम सिंपल यहाँ पे आएंगे
और इसी का एक डुप्लीकेट ले लेंगे दोस्तों। इस पर क्लिक करेंगे और इस पर जैसे ही ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पर आएंगे और राइट बटन टिपेंगे ना, तो हमारा एक डुप्लीकेट बन जाएगा। डुप्लीकेट बन जाने के बाद देखेंगे हमारे पास यहाँ पे कुछ अजीब दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ ट्रांसपेरेंसी पे टूल पे और सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे ड्रैग कर देंगे। देखिए दोस्तों, ड्रैग करेंगे तो देखेंगे ये हमारा इसमें कनेक्ट हो चुका है और इस दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी कर इसे ग्रुप कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा इतना काम हो गया। देखिए दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड का हमारा फाइनली काम हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों हमें क्या करना है, कुछ में कुछ इसके अंदर फॉर्मेटिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ पिक्चर लगा लेते हैं। इसके लिए पिक्चर के लिए हम यहाँ पर आएँगे और देखेंगे हम डाउनलोड कर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर आएँगे और सिंपल इस पिक्चर को हम यहाँ पर रख देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस पिक्चर को रखेंगे और सिंपल इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसे बड़ा करेंगे और इसका आउटलाइन हम यहाँ से रेड कर देते हैं, यहाँ पे कुछ अलग कलर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेड कर दी इसका आउटलाइन। उसके बाद से दोस्तों हमें कुछ और इमेज लगाना होता है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे गाड़ी भरे के लिए संपर्क करें तो एक हमें स्कॉर्पियो लगाना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएँगे और यहाँ पर रिटेंगल लेंगे, यहाँ से रिटेंगल ऐसे ड्रैग करेंगे और रिटेंगल ऐसे ड्रैग करेंगे और उसके थोड़ा ऊपर करेंगे और जाएँगे यहाँ से टूल पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेव टूल दिया हुआ है और सेव टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से ऐसे थोड़ा सा राउंडेड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, राउंडेड करेंगे और इसे वाइड करेंगे और यहाँ पे देखेंगे स्कॉर्पियो हम यहाँ पे डाउनलोड कर रखे हुए हैं, तो सिंपल इस पे राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे एडिट पे। देखिए दोस्तों, एडिट पे जाने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम अंदर जाने का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम सिंपल यहाँ से जाकर इसे थोड़ा अपने अनुसार इसे सेटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आप अपने अनुसार इसे सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे फाइनली हमारा जो इमेज लगाना है वो इमेज है यहाँ पे हम लगा चुके हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे कुछ हमें सूज का इमेज लगाना है, तो इस वो भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा अपने कर देते हैं। देखिए दोस्तों, और यहाँ पर जाएँगे और दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और रेक्टेंगल लेने के बाद ऐसे हम ड्रैग कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे इतना ड्रैग करेंगे और उसके बाद से सेव फिल टूल पे जाएंगे और यहाँ से इसे थोड़ा सा राउंडेड कर देंगे। देखिए दोस्तों, राउंडेड करेंगे और इसका कलर हम यहाँ से रेड कर देते हैं और इसका आउटलाइन वाइट कर देंगे और आउटलाइन थोड़ा यहाँ से जाएंगे और यहाँ से बढ़ा देंगे। देखिए दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर जाएंगे, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक टूल्स दिया हुआ है शेडो का, और इस पर क्लिक करेंगे ना दोस्तों, जब शेडो पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे ब्लैक शेडो दिया हुआ है, तो हम इस ब्लैक शेडो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जैसे ही थोड़ा सा इसे नीचे करेंगे तो देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहा है, तो देखेंगे हमारा इस कलर का हो चुका है और जाएँगे सिंपल इस कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कुछ अलग कलर यहाँ से ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, देखेंगे हम ऐसा कलर ले लिए, उसके बाद से यहाँ से कट कर देंगे और जो हमारा जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे इसे सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और सिंपल यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा। उसके बाद से टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से वाइट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे हमारा फाइनली कितना सुंदर यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस का कलर हम यहाँ से कुछ अलग कर देते हैं, यहाँ से हम ब्लू कर देते हैं और इसका आउटलाइन वाइट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, और यहाँ पे F11 टिपेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे F11 टिपेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन होगा। देखिए दोस्तों, और यहाँ से हम इस आउटलाइन को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आउटलाइन लग चुका है। उसके बाद से दोस्तों हम यहाँ से कुछ इमेज लगा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें, यहाँ पे देखेंगे हमें लोगो भी लगाना है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे लोगो दिया हुआ है, वो भी लोगो भी लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जाएँगे यहाँ पर और ये पूरे को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे और छोटा करने के बाद इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। दोस्तों आप अपने अनुसार इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, इस लोगो को लाएंगे और लोगो को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। देखिए दोस्तों, और इस इमेज को हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लाएंगे थोड़ा सा नीचे और इसको थोड़ा सा हम ऐसे छोटा कर देते हैं। देखिए दोस्तों, और इसे भी हम थोड़ा ऐसे छोटा करके अपने अनुसार एडजस्टमेंट कर देंगे। देखिए दोस्तों, और इस क्या करेंगे, इस लोगो को हम ऐसे थोड़ा और इसे थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेंगे। देखिए दोस्तों,
दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम हो गया है। उसके बाद से दोस्तों हमें कुछ इसमें से इमेज लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से जाएंगे और इसे डिलीट कर देते हैं और उसके बाद से इसमें से थोड़ा सा इमेज लगा लेते हैं। तो सिंपल इस इमेज को यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लाएंगे और इस इमेज को हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेंगे और इस इमेज को हम यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लाएंगे और इसे हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लाएंगे और अपने अनुसार इसे एडजस्टमेंट कर देंगे। देखिए दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम हो चुका है। उसके बाद से चाहते हैं दोस्तों इसमें और पिक्चर लगाना, तो देखेंगे यहाँ पे हम ऑलरेडी बहुत सारे पिक्चर डाउनलोड कर रखे हुए हैं। तो चलिए हम दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इसके अंदर एक पिक्चर लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जाएंगे और इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ से जाएंगे और इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और ऐसे छोटा कर लेंगे। देखिए दोस्तों इसे छोटा करेंगे और यहाँ पे इसका कलर वाइट कर देते हैं और सिंपल फिर इस इमेज को भी हमें लगाना है। तो हम सिंपल यहाँ पे लाएंगे इस इमेज को और यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे और इस इमेज को ऊपर कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटा करेंगे, यहाँ पे देखेंगे दो इमेज लगा चुके हैं दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों हम जाते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे एक और इमेज लगा लेते हैं और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक और इमेज लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ऐसे जाएंगे और ऐसे इस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों और सिंपल फिर इस इमेज को हम इधर लाते हैं और इधर भी हम तीन इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आते जाते हैं और ऐसे इमेज को तीन इमेज को इधर लगा लेते हैं और इस इमेज को भी हम कंट्रोल आर करेंगे और इस इमेज को थोड़ा सा इधर लाएंगे और दोनों इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ले आकर रख देंगे। देखिए दोस्तों और यहाँ से हम ऐसे ऊपर कर लेंगे। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ हमारे पास बहुत सारे इमेज लग चुके हैं और यहाँ पे लोगो और यहाँ पे जो भी लिखना है वो हम लिख चुके हैं। इसके लिए उसके बाद से हम दोस्तों यहाँ पे आएंगे और प्रोप्राइटर का नाम थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसका कलर कर देते हैं यहाँ से रेड और इसका भी कलर कर देते हैं मोबाइल नंबर का रेड और उसके बाद से इसमें आउटलाइन दे देते हैं। तो इसे सेलेक्ट करेंगे और सिंपल जाएंगे आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और इसे आउटलाइन यहाँ से जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जाएंगे और इसे थोड़ा इधर करेंगे और यहाँ पे दो क्लिक करेंगे और यहाँ से बढ़ा लेंगे। उसके बाद से दोस्तों सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे आउटलाइन वाइड कर देंगे और यहाँ से आउटलाइन दोस्तों यहाँ पे F11 क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आउटलाइन को थोड़ा हम बढ़ा लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे फाइनली यहाँ पे बढ़ चुका है और उसका कलर, इसका कलर हम दोस्तों कुछ अलग कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसे येलो कर देते हैं और इसका आउटलाइन कुछ अलग कर देते हैं दोस्तों, ये कलर कर देते हैं और इसका आउटलाइन वाइट कर देते हैं और यहाँ से वाइट लाइन जाकर बढ़ा लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जाएंगे और इसका आउटलाइन थोड़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारा आउटलाइन बढ़ चुका है दोस्तों। देखेंगे यहाँ पे 1.5 करेंगे तो देखेंगे फाइनली यहाँ पे हमारा आउटलाइन बन चुका है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इस नाम में कुछ हमें फॉर्मेटिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका कलर हम कर देते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम जी प्रेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जी प्रेस करेंगे ना तो हमारा कुछ कर्सर इस तरह का हो जाएगा और हम नीचे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद दोस्तों हम ऊपर जैसे ही ड्रैग करेंगे ना तो हमारा दो कलर का बन जाएगा। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, हम ऊपर कुछ अलग कलर फिल कर देते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम ले लेते कुछ अलग कलर। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से कुछ अलग कलर ले लेते हैं और यहाँ से RGB ले लेते हैं और इसके अंदर ये कलर ले लेते हैं और नीचे आएंगे दोस्तों और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम कर देते हैं पूरी तरह से ब्लू कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आएंगे और इसे ब्लू कर देंगे और उसके बाद से दोस्तों इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इसे बढ़ा देंगे। दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम हो गया। उसके बाद से इसका आउटलाइन हम यहाँ से वाइट कर लेंगे और वाइट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जाएंगे F11 टिपेंगे और F11 टिपने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इसका आउटलाइन हम थोड़ा बढ़ा देंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों और थोड़ा इसका आउटलाइन हम यहाँ से 4 कर देते हैं और यहाँ पे
क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारा इतना काम हो चुका है दोस्तों। उसके बाद से हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम यहाँ से रेड पे क्लिक करेंगे और रेड पे क्लिक करने के बाद फिर से हम जी प्रेस करेंगे दोस्तों। जी प्रेस करेंगे तो फिर से हम इसे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद हम कुछ ऊपर कुछ अलग कलर कर देते हैं, थोड़ा सा कलर हाईलाइट कर देते हैं। देखिए दोस्तों आरजीबी में जाएंगे और कुछ कलर ऐसा कर देते हैं देखिए दोस्तों। और इतना करने के बाद फिर से हम जाएंगे दोस्तों यहाँ पे ब्लैक शेडो पे और ब्लैक शेडो पे क्लिक करके और इसे थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमारा कुछ डिज़ाइन इस तरह का हो गया और इसका कलर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका कलर कुछ हल्का ऐसे ले लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ कलर इस तरह का ले लेते हैं, यहाँ से हम कुछ कलर पिक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से कुछ कलर हम देखेंगे दोस्तों पिक कर चुके हैं। देखिए दोस्तों और अपने अनुसार इसे हम मैनेज कर लेंगे। देखिए दोस्तों अपने अनुसार इसे यहाँ पे जाएंगे और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। देखिए दोस्तों इस शेडो को थोड़ा सा छोटा करेंगे और उसके बाद से देखेंगे दोस्तों हमारा कुछ डिज़ाइन इस तरह का बन चुका है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड को थोड़ा हम क्या करेंगे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। देखिए दोस्तों और यहाँ से फिनिश करेंगे और फाइनली देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फ्लेक्स है वो फाइनली यहाँ पे पूरी तरह से डिजाइनिंग हो चुका है। दोस्तों अगर इस तरह का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दे ताकि जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।